आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। जगदलपुर में विधायक राजमन बेंजाम अपने गृह विकास खंड के ग्राम पुसेम के वार्षिक मेला में पहुंचे, जहां विधायक बेंजाम ने क्षेत्रवासियों को खुशहाली की ग्राम की देवगुड़ी में पहुंचकर प्रमुख देवी से आशीर्वाद लिया और विधायक बेंजाम ने ग्रामीणों के साथ ढोल नृत्य कर वार्षिक मेला का आनंद भी लिया। विधायक राजमन बेंजाम ने मेले में शामिल ग्रामीणों को वार्षिक मेला की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं बचपन से ही गाँव में पला बड़ा हूँ और मैं स्वयं ही आदिवासी संस्कृति से परिचित हूँ। वहीं जगदलपुर में 12 साल में होने वाले करनपुर के पर्व में रेखचंद जैन शामिल हुए। विधायक रेखचंद जैन ने नकटी सेमरा की रूपशिला माता की गुड़ी में पूजा अर्चना की और मणई में भी सम्मिलित हुए। वहीं संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर के 50 सामुदायिक केंद्र में सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया। इससे पहले एक्सरे और डेंटल मशीन की भी स्थापना की गई थी। इस दौरान विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेशवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही विधायक ने अस्पताल के चिकित्सकों और मरीजों से भी बातचीत की और ICU वार्ड में बच्चों के देखभाल संबंधित कार्यों का भी निरीक्षण किया। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां विधायक रेखचंद जैन ने विधायक निधि से सामुदायिक भवन बनाने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प हम सबको लेना चाहिए। समाज को शहर के भीतर सामुदायिक भवन के लिए भूमि आवंटित की गई है, इसके लिए मुख्यमंत्री का विशेष आभार है। इसी के साथ संत शिरोमणि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए जैन ने कहा कि प्रभु भक्ति में सैन महाराज अत्यधिक क्लीन रहते थे। वहीं अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पुलिस लाइन में पदस्थ सहायक आरक्षक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि ये शव कारेली के तालाब में मिला है। वहीं नहाते समय डूबने से मृत्यु होने की आशंका जताई जा रही है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।